किञ्च श्रुतेर् अतत्परत्वे प्राप्तत्वमात्रम् एव प्रयोजकम्, अन्यथा वैफल्येन स्वाध्यायविधिकरण अनुपपत्तेः। या तो हुआ था ना, ये श्रुति को अतत्पर मानना है, उसमें प्राप्तत्वमात्र को प्रयोजक माना जाएगा। इन नहीं तो क्या होगा, स्वाध्यायतव्य इस विधि की विशेषता प्राप्तार्थ बोधक में नहीं बन पाएगी, तो फिर क्या होगा, वो सप्रयोजन न होने से अप्रमाणिक होने लग जाएगा। तो सप्रयोजनत्व जो है किसी भी श्रुति में तत्पर अतत्पर का प्रयोजक नहीं हो सकता है। प्रयोजक कौन होगा, प्राप्तत्व और अप्राप्तत्व, ये मुख्य प्रयोजक। अपिचयम सत्वश्रुतिरपि, अपिचयम सत्वश्रुतिरपि, और यह जो सत्वश्रुति है विश्वम सत्यम, वह भी वास्तव में सत्व प्रत्यक्ष सापेक्षत्वात् सापेक्ष अनुवादनीय, सत्व के प्रत्यक्ष सापेक्षता रखने से वह भी सापेक्ष अनुवादनी है, निरपेक्ष अनुवादनी नहीं मानी जा सकती। क्यों, कैसे सापेक्ष है, क्योंकि नहीं सत्व प्रत्यक्ष बिना तन मूल शक्य शक्त्यादि ग्रह मूलक शब्द प्रवृत्ति संभव। सत्व प्रत्यक्ष के बिना यह विश्वम सत्यम, ये सत्य शब्द का अर्थ ज्ञान को कैसे होगा, संसार से ही हुआ, घटा सन पढ़ा सन इसके आधार पर, कि शब्द का शक्ति ग्रह लोक में आठ प्रकार से माना गया है व्याकरण आदि। जो आठ प्रकार से शक्ति ग्रह हो जाए तभी आपको मालूम होगा यह शक्ति है, इसमें अमुक पद का शक्ति थी, निधग्रहण ही नहीं होगा। इसे प्रत्यक्ष से शक्ति ग्रह हुआ, शक्ति ग्रह होने से विषम सत्य सत्यम इस वाक्य का अर्थ ज्ञान हुआ, हमेशा प्रत्यक्ष सापेक्ष हो गया। यत्र नहीं सत्व प्रत्यक्ष बिना, सत्व प्रत्यक्ष के बिना जो है तन मूल जो शक्य और शक्ति के आदि जो ग्रह है, तन मूलक शब्द प्रवृत्ति ही संभव नहीं, संभव नहीं है। इसलिए कहा भी है नीचे दिया ब्रह्म सिद्धिकार का मंडन मिश्रकार का, लोकावगत सामर्थ्य शब्दो वेदे भी बोधक। इस मीमांसा दर्शन में लोक वेदाधिकरण न्याय, उसके आधार पर बोल रहे हैं मंडन मिश्र जी ब्रह्म सिद्धि में। अतः विशेषत्व में श्रुति में क्या हुआ, अपेक्षित प्रत्यक्षाधीन रह गया। प्रमाणांतर से ही पहले क्या हुआ, उसका सत्य की उपस्थिति होती है और उसी का अनुवाद कर उक्त श्रुति ने कथन किया, इसलिए सापेक्ष अनुवाद नहीं श्रुति हो जाती है, निरपेक्ष नहीं हो सकती है। अतएव इसलिए यह भी बात कही गई है, यत्र तो प्रमाणांतर संवाद है तत्र प्रमाणांतरादि इव अर्थवाद स्वर्थ प्रसिद्ध्यति, द्वयोः परस्पर अनपेक्षयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिव एकार्थे प्रवृत्तिः प्रमात्रपेक्षया तु अनुवादकत्वम्। कल देखो लोक व्यवहार में क्या देख रहे हैं, जहाँ भी प्रमाणांतर से विसंवाद न होकर संवाद यदि हो जाए तब वहाँ प्रमाणांतर से पदार्थ की उपस्थिति मानी जाती है। प्रमाणांतर के संवाद कर रहा है, विसंवाद नहीं है, तो प्रमाणांतर के विषय यहाँ उपस्थित हुए मानना पड़ेगा, तो अनुवादकत्व आएगा। प्रमाणांतरवाद इव अर्थवाद जब स्वर्थ प्रसिद्ध, इसी प्रकार से अर्थवाद में भी ये कहा अग्निर्मस विषम इत्यादियों में भी स्वर्थ प्रसिद्ध थी। इन कहीं पर यह भी देखा गया दिया अग्निरुष्ट वही दिया, देखो अग्निर्मस विषम यहाँ पर, क्योंकि अग्निगत उष्णता रूप एक ही विषय का बोध अग्निरुष्ट प्रत्यय से पहले हुआ है, लोक में अग्निरुष्ण यह स्पार्शन प्रत्यक्ष से अनुभव हो चुका है, उसी उष्णत्व का अनुवाद करके वहाँ कहा गया है अग्निरिमस्य भेषजम अर्थवाद वाक्य में। इसे अर्थवाद वाक्य को अनुवादक मानते हैं, अनुवादनी श्रुति है वो, कैसे भी सापेक्ष अनुवादनी श्रुति है। तद्वत यह विश्वम सत्यम भी क्या है, घटसनित्य सापेक्ष प्रत्यक्ष सापेक्ष ही अनुवादनी श्रुति माननी चाहिए। आपने दैवानुवाद कह करके निरपेक्ष अनुवाद मान रहे थे, उचित नहीं है। इतने नहीं, जहाँ दो परस्पर अनपेक्ष प्रमाण प्रवृत्त हो रहे हैं, पहले व्यक्ति ने अनुमान कर लिया पूर्व स्मृति के आधार पर पर्वतो वह निमान, कुछ देर बाद वह अग्नि इतनी तेज हो गई उसको आंखों से प्रत्यक्ष हो गया पर्वतो वह निमान, और एक दूसरे निरपेक्ष है। यहाँ पहला अनुमान के लिए इस वर्तमान प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं है ना, अनुमान पहले किया मानसीय व्याप्ति ग्रहण जो हुई थी उसकी स्मृति के आधार पर, अनुमान होने के बाद में
आग साक्षात दिखाई दे दिया। अब जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो पूर्वकृत अनुमान के प्रति अपेक्षा नहीं रखता है, और जो प्रत्यक्ष हुआ है उत्तर काल में उसको अनुमान की भी अपेक्षा नहीं है। पहले अनुमान बाद प्रत्यक्ष, ये क्रम रखना तभी घटेगा। तो ऐसे परस्पर निरपेक्ष मानना पड़ेगा। अनुमान के लिए उत्तर काल जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसका अपेक्षा नहीं है, और उत्तर काल जो प्रत्यक्ष है उसको पूर्व काल अनुमान की अपेक्षा नहीं है। वहां पर किसको किसका अनुवादक मानोगे? उससे कोई लेन देन है? हमने कहा मानस की व्याप्ति, व्याप्तिकरण की अनुमिति होती ही नहीं है। लेकिन वर्तमान जो प्रत्यक्ष हो रहा है पर्वत अनुमान इसको हुआ है, इसकी अपेक्षा है क्या? और पूर्व में हमने अनुमान करके निश्चय कर चुके थे धुआं को देख करके पर्वत अनुमान, और उसके भी न ही इंद्रियों ने देख लिया, यहाँ इसकी जरूरत नहीं ना इंद्रियों को देखने के लिए। अनुमान के अंदर पर्वत अनुमान निश्चय हो इस वजह से इंद्रियों ने वन्य देख लिया आग को, ऐसे तो है नहीं, उसकी अपेक्षा है नहीं। उसको परस्पर निरपेक्ष प्रत्यक्ष अनुमान और इव एकार्थ प्रवृत्त है। एकार्थ प्रवृत्ति होने पर भी दोनों का आप किसी को भी अनुवादक नहीं बोल सकते हैं। और यदि अनुवादकता मानेंगे तो वहाँ पर प्रमात्रपेक्षत्व अनुवादकत्व प्रमाता के अधीन विवक्षा के अधीन है अनुवादकत्व मानना न मानना। वो कह सकता है जिसको मैंने अनुमान कर लिया था उसी वन्य को मैंने अब इंद्रियों से भी देख लिया, ऐसे ही अपेक्षा करने लग जाएगा तो निश्चित रूपेण अनुवादकत्व आएगा उत्तरकालीन प्रत्यक्ष में, नहीं तो नहीं होगा। दोनों स्वतंत्र रूपेण बोध कर निरपेक्ष बोध करा दिए। प्रमाता ही अव्युत्पन्न प्रथम प्रत्यक्षाद यथार्थम अवगच्छति न तथा आमनायतः। और दूसरी बात है प्रमाता की अपेक्षा है अग्निरिमस्य बीजम में, ये प्रमात्र अपेक्षा अधीन अनुवादकत्व है। अग्निरिमस्य बीजम में अनुवादकत्व मानेंगे कि वहाँ भी प्रमाता की अपेक्षा है, उसको पहला अनुभव था उष्णा अग्निरुष्ण, उसकी अपेक्षा के अधीन उसको अनुवादकत्व मानेंगे। और मान लो जिस व्यक्ति को पहले अनुभव ही नहीं तब क्या होगा? उसे अग्निरिमस्य बीजम अनुवादकत्व नहीं रहा, जिसने पहले अग्निरुष्ण का अनुभव नहीं किया है उसके लिए क्या होगा? जिसे गाय क्या है किसने देखा नहीं, ऐसे विदेश में बहुत सारे बच्चे जिन लोगों को गाय को केवल डिब्बों में देखा, फोटो जो दूध के डिब्बे आते हैं ना मिल्क पाउडर के, उसी में देखा उन्होंने गाय को, कि शहरों में गाय होती नहीं, वहाँ सड़कों पे घूमते जैसे यहाँ होता है। उन्हें गाय देखना होगा तो कौन उनको ले जाए देहात में शहर से बाहर जहाँ डेयरियाँ हैं, वहाँ कभी गए नहीं वो बच्चे, कहीं अचानक यहाँ आ गए भारत में, बच्चे आए विदेश से रास्ते में गाय, और देखे बड़ा आश्चर्य कर, और छूने से डर भी रहे, और सब घेर ले चारों तरफ से गाय को, सारे बच्चे 50-60 बच्चे, ये क्या जानवर है ये कैसा, ये कहते अरे तुमने नहीं देखा मिल्क पाउडर के डिब्बे में था, वही तो है ये, खुशी खुश हो रहे थे। ऐसे के लिए क्या होगा? वही प्रथमम कोई अव्युत्पन्न पुरुष है, मान लो प्रमाता कैसा है अव्युत्पन्न, वो अव्युत्पन्न पुरुष क्या कर रहा है कि यह अव्युत्पन्न प्रमाता जैसा प्रथमत क्या करेगा प्रत्यक्षादिभ्यो यथार्थम अवगच्छति, प्रत्यक्षादि के द्वारा अर्थबोध करता है। मान लो सहयोग मिल गया, ऐसा प्रसंग हो गया, पूछ लिया बता दिया लोगों ने, प्रत्यक्ष उसको वस्तुबोध हो जाता है। अव्युत्पन्न को भी प्रथमतः प्रत्यक्ष से बोध वास्तविक होता है, शब्दाधीन से बोध नहीं हो सकता। जब तक वस्तु सामने नहीं है जितना भी रटाओ पढ़ाओ कुछ भी करो उसका अनुभव नहीं होगा ना, वस्तु संबंध होता है। अब से ये फॉर एप्पल बच्चे रट लेते भाई एप्पल खिलाएंगे तब ना पता चलेगा एप्पल क्या होता है, नहीं तो उसको क्या पता है फॉर एप्पल ठीक खट्टा होता है मीठा होता है, पूछो उससे हमें क्या पता, हमको दे फॉर एप्पल रटा है हमें तो बताया नहीं एप्पल मीठा होता है खट्टा होता है, और खा लेगा तो उसको पता है कैसा होता है सदा के लिए। सब प्रत्यक्ष से ही वो ग्रहण कर पाता है। लेकिन न तथा आमना था, समस्या आमने में क्या है, शब्द को हमने गुरुमुख से सुना ये उस अर्थ ग्रहण नहीं होगा जब तक उसका शक्ति ग्रहण न कराने एक प्रकार से, और शक्ति ग्रहण कराने के लिए फिर प्रत्यक्ष की अपेक्षा है। न तथा आमना था तत्र व्युत्पत्ति अपेक्षा, क्या व्युत्पत्ति की अपेक्षा है इति वाचस्पत्युक्तमपि एतम अर्थम संबोध, उसके द्वारा उक्त बात भी यही संपादन करता है कि शब्द से बोध होने के लिए संगति ग्रह की अपेक्षा होती है, शक्ति का द्वारा शक्ति ग्रह होकर के
शब्द रूपी शक्त का शक्य बुधा पदार्थ के साथ संबंध ग्रहण कराना आवश्यक हो जाता है, तभी उसका वास्तव में वाक्यार्थ बोध होगा। पदार्थ ज्ञान के वाक्यार्थ ज्ञान होगा नहीं। इतने ने और भी कुछ बात उन्होंने कहा जो नीचे दिए देखे। भूतार्थानाम अपि वेदांतानाम न सापेक्षता प्रामाण्य विघात। लेकिन तब कहेगा पूर्व पक्ष नमा, फिर भूतार्थवादी जो वेदांत वाक्य हैं वे भी सापेक्ष हो गए प्रत्यक्ष का, वह भी अनुवाद है, प्रामाण्यता भंग हो जाएगा उसका। कि शब्द अपने अर्थ ज्ञान कराने के लिए प्रत्यक्ष अपेक्षा रखता अपने कथे शक्ति ग्रहण करने के, तो शक्ति ग्रहण कराने के माध्यम से प्रत्यक्ष आदि श्रुति हो गई, श्रुति श्रुत प्रमाण कहाँ रह गया। यदि प्रत्यक्षता गलत कोई शब्द का ग्रहण किया आपने, श्रुति का भी उसी के अर्थ गलत अर्थ कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो प्रामाण्यता का व्याघात होगा, विघात हो जाएगा। कहते न विघात भूतार्थान वेदांतान सापेक्षतया प्रामाण्य विघात हो न, क्यों न च अनधिगंत्रता नास्ति ये न प्रामाण्यम न स्यात्। क्योंकि प्रामाण्यता के लिए किसके अर्थ ज्ञान की अपेक्षा होना न होना यह महत्वपूर्ण नहीं है। प्रामाण्यता के लक्षण में क्या है, अनधिगत होना चाहिए अर्थ, वो अर्थ अन्य प्रमाण से अधिगत नहीं होना चाहिए। उस अर्थ को बोध कराता है वो स्वतः प्रमाण हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जीव ब्रह्म है ये किसी प्रमाण से अधिगत नहीं हो सकता। जीव शब्द का अर्थ शक्तिग्रह हो जाएगा, आत्मा परमात्मा ईश्वर है शब्दों का शक्तिग्रह करा सकते हैं प्रत्यक्ष व्याकरण आदि की सहायता से, किंतु जीव ब्रह्म ही है ये किसी भी शास्त्र के द्वारा व्युत्पत्ति नहीं हो सकती बिना वेदांत के। अतः वेदांत जो इस बात को कहता है जीव ब्रह्म एकत्व कथन, इस विषय में यह अनधिगत होने के नाते वेदांत की प्रामाण्यता भंग नहीं होती, ये कहते हैं। फिर भी वगैरह न च अनधिगंतृत्व, अनधिगंतृत्व नास्ती न ये न प्रामाण्यम न स्यात्, क्योंकि जीवस्य ब्रह्मतायः अन्य तो अनधिगमा, अन्य किसी प्रमाण से अधिगम होता है, ये श्रुति कही तत्त्वमसि तम निर्णय। तम पदार्थ के लिए अपेक्षित हो सकता है प्रत्यक्ष, तत्पदार्थ का बोध करने के लिए अपेक्षित हो सकता है प्रत्यक्ष, लेकिन तत्त्वम ऐक्यता का बोध कराने के लिए यह प्रत्यक्ष या किसी अन्य प्रमाण का भी सामर्थ्य नहीं है। ये तो उपनिषद ही बता सकता है, वेदांत ही बता सकता है। इसे उस दृष्टिकोण से उस अंश में अनधिगतत्व रह गया वेदांत वाक्यों में, अतः वेदांत वाक्य सब प्रामाणिक हो जाएंगे, स्वतः प्रमाण हो जाएगा, यह भी उन्होंने वहाँ कहा है। किंतु विश्वम सत्यम में ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्वम सत्यम में ऐसा नहीं है, इसके हर शब्द का जो अर्थ प्रत्यक्ष गृहित है ये वाक्यार्थ भी प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है, इसे इसको अनुवाद का मानना ही पड़ेगा। अनधिगतत्व विषम सत्य में नहीं है, अधिगतत्व ही है, ये इनका कहना है। तेना आमनाय से व्युत्पत्तिपेक्षत्व न प्रत्यक्ष सापेक्षत्व से उक्त है, इसलिए आमनाय का व्युत्पत्ति अपेक्षा होने के नाते प्रत्यक्ष की सापेक्षता मात्र कह दिया गया है, इतने में से प्रामाणिकता भंग नहीं होता, ये सिद्ध हो गया। व्युत्पत्ति अपेक्षा से हम प्रत्यक्ष सापेक्षता कहते हैं, न कि अनधिकतार्थ का बोधगत प्रत्यक्ष आदि की अपेक्षा के लिए करते अधिगत हो जाएगा नहीं। वह ऐक्यता रूपार्थ यदि अन्य प्रमाणों से अधिगत होता तब अनधिगतत्व तो भंग होगा, नहीं रहेगा तो प्रामाणिकता नहीं रहेगी। लेकिन वो बात किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात न होने से उसे अनधिगतत्व तो रहता ही है। अच्छा अपेक्षा कहाँ रहा, केवल शब्दार्थ ज्ञान के लिए, शब्द पद के अर्थों का ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष की अपेक्षाता है। इन पदों के द्वारा बोध्यमान जो वाक्यार्थ है भाग त्याग लक्षण की तरह ऐक्यत्व, उसके लिए प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं। शक्यार्थ बोध हुआ और शक्यार्थ बोध वहाँ पर घट नहीं रहा है, तात्पर्य अन्वय तो हो जाएगा, अन्वय अन्वय की अनुपत्ति नहीं है यहाँ, लेकिन तात्पर्य की अनुपत्ति है। अन्वय की अनुपत्ति तो कर ही रहे वो लोग, तस्मैत्वम तत्त्वम कह रहे हैं, वैसे तो बन जाएंगे। इसे अन्वयानुपत्ति हमारे यहाँ नहीं है, या तात्पर्य अनुपत्ति है। तात्पर्य अनुपत्ति कैसे निर्णय हुआ, उपक्रम आदि षडलिंग के द्वारा। वह वाक्यार्थ जो ऐक्यत्व है तत्त्वमसि आदियों का, वह किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, उसके लिए प्रत्यक्ष की अपेक्षा भी नहीं है। इसे यहाँ पर एक बात लेकिन याद रखना पड़ता है, ये जो बात कही इदंच यत्र वेदेन प्रत्यक्ष गम्य पदार्थ वर्णिता, जिन वाक्यों में वेद के द्वारा प्रत्यक्ष गम्य पदार्थ का वर्णन
किसी भी प्रकरण आदि की अपेक्षा से कर दिया गया है वहीं परम प्रत्यक्ष की अपेक्षा करेंगे। लेकिन जहाँ प्रत्यक्ष अगम्य पदार्थ कहा जा रहा है वेद वाक्य से, वहाँ पर तो सापेक्षता भी नहीं है, अतएव आप जो कह रहे थे सापेक्ष अनुवादिनी वो भी नहीं रहेगा। जैसे धर्म है प्रत्यक्ष अगम्य है, उसी प्रकार से धर्म के अलावा ब्रह्म है और जीव के उसकी ऐक्यता है, ये सब क्या है प्रत्यक्ष के द्वारा अगम्य। बहुत सारे गुरुत्व इत्यादि अनेकों चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष के द्वारा अगम्य, इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। आप अनुमान का विषय बनाते हैं, इस अनुमान में शंका जब होगी तो श्रुति के द्वारा इसको प्रबलता प्रदान करना पड़ेगा, बल देना पड़ता है, प्रामाण्यता लानी पड़ती है। से प्रत्यक्ष अगम्य पदार्थ जहाँ पर है वहाँ के लिए बात नहीं कही कि व्युत्पत्ति अपेक्षित प्रत्यक्ष सापेक्ष से उपपत्त है, ये वहाँ के लिए नहीं। जहाँ प्रत्यक्ष गम्य पदार्थ है उसको वह श्रुति में किसी कारण से ले लिया गया है उस स्थल में केवल हम कहेंगे, और वहाँ पर सापेक्ष अनुवाद कर्तव्य स्वीकार कर लेते हैं। जैसे विषम सत्य में ही हम घटाएँ कि अग्नि वो तो है, अग्नि हिम से भेषजम तत्वत विषम सत्यम वाक्य भी प्रत्यक्ष सापेक्ष होने के नाते सापेक्ष अनुवाद नहीं हो जाती है। न च वाद विप्रतिपत्ति निराश प्रयोजनवत्वेन न निष्प्रयोजन अनुवादकत्वम सप्रयोजन अनुवादकत्वम तो न स्वार्थ प्रतिरोधी। अब दूसरे ढंग से घुमाते हैं पूर्व पक्षी, कहते हैं प्रत्यक्ष के द्वारा प्रपंच सत्य गृहित होने पर भी विषम सत्यम जो कहा जा रहा है वह केवल विप्रतिपत्ति का वादी प्रतिवादियों के विप्रतिपत्ति का निराश करने के लिए विषम सत्यम सार्थक वाक्य, भले अनुवाद नहीं है ये सब प्रयोजन होने के नाते उसको प्रामाणिक मान। प्रयोजन क्या उसका विप्रतिपत्ति का निराकरण करना। कौन विप्रतिपत्ति खड़ा किया, कहते शून्यवादी खड़ा कर दिया है, सर्वम शून्यम कहता है, और आप वेदांती खुद खड़ा कर चुके हो सर्व मिथ्या बोल रहे हो, और वो सर्वम सत्यम कह रहा है श्रुति। विश्वम सत्यम का मतलब क्या, सर्वम सत्यम, आप सर्व कोई कह रहा है सर्वम शून्यम, कोई कहता है सर्व मिथ्या, और श्रुति करे सर्वम सत्यम। इस वाद विप्रतिपत्ति के निराश व प्रयोजन के लिए श्रुति आई हुई है, ये स्तुतिपरक नहीं है। आप स्तुतिपरक ले लिया इसे अनुवाद नहीं कह रहे हैं, ना उसका अलग प्रयोजन है, स्तुति का इसका प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन वही समझा रहा है, वाद विप्रतिपत्ति निराश प्रयोजनवत्वेरा न निष्प्रयोजन अनुवादकत्वम, इसे निष्प्रयोजनत्वादि अनुवादक है, आपका उस वाक्य का स्वार्थ कोई प्रयोजन नहीं है, इसे इसको अन्य अर्थ परक ले गए आप, स्तुति परक मान लिए और अनुवादकता कह रहे थे, यह आपका कहना उचित नहीं है। इस वाक्य का अपने स्वार्थ का कोई प्रयोजन न होने से अनुवादक है, निष्प्रयोजन होने से अनुवादक आपने कहा, यह ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है इसका प्रयोजन है वादी प्रतिपत्ति का निराश करना। न निष्प्रयोजन अनुवादकत्वम सब प्रयोजन अनुवादकत्वम तो न स्वार्थ परत्विरोधी, और जो सब प्रयोजन अनुवादक होता है वह स्वार्थ परत्विरोधी, स्वार्थ परकता उसका विरोध नहीं होगा, अर्थात स्वार्थ परक रहते हुए वह सब प्रयोजन अनुवाद नहीं हो जाए कोई आपत्ति, प्रामाणिक हो जाएगा। स्वार्थ परकता आ गया तो प्रामाणिकता आ गया। जैसे दृष्टांत क्या है, विद्वद्वा के समुदाय द्वित्वापाद अनुरूप प्रयोजन वत्वेन अनुवाद्य स्वार्थपरतायाः दृष्टत्वात्, अतएव तत्र वाक्यैकवाक्यता उक्ता अन्यथा अर्थवाद पदैकवाक्यतैव स्याद् इति न च वाच्यम्। और दशमास प्रकरण को उठाता है, वो कहता है कि देखिए वहाँ विद्वत वाक्य होते हैं, यहाँ विद्वत वाक्य का अर्थ विद्वत शब्दो यस्मिन् वाक्ये तद्वाक्यम विद्वत वाक्यम तस्मिन् विद्वत वाक्ये ऐसा लेना, न तो विद्वद्भिः उक्तम वाक्यम विद्वत वाक्यम ऐसा नहीं है। यहाँ पर देंगे देंगे नीचे पूरा प्रकरण समझ लो कि दश पूर्णमास याग में तीन तीन छः याग हुआ करते हैं, दश पूर्णमासाभ्याम स्वर कामो यजेता, वह दर्श का अर्थ किया, पूर्णमास का अर्थ किया, दर्श मने अमावस्या, पौर्णमास मने पूर्णमा तिथि हो गई, इन दोनों के द्वारा किया गया याग ऐसा अर्थ तो हो नहीं सकता, तिथियों से कोई याग तो होती नहीं है, इन तिथियों में किया गया क्या ये पता नहीं, तो घटाएगा कैसा मामला। ये द्वित्व तिथिवाचक शब्दों में द्वित्व द्वारा याग का विशेषण बनाना ये कैसा संभव होगा, तब कहा गया वहाँ कि अदाग्नि अष्टा कपाल अमावास्यायाम पौर्णमास्याम चाच्युतो भवती,
तैत्र संहिता 2633 तब अब्रूताम अग्निशोमा वाज्यस्यैव ना उपांशु पौर्णमास्याम यजन तांडिल्य ब्राह्मण हो ताभ्याम मेतम अग्निशोमियम एकाशकपालम पौर्णमासे प्रायच्छत तैत्र संहिता 2523 ऐन्द्रम दद्यमावास्यायाम तैत्र संहिता 2541 तथा ऐन्द्रम पयो अमावास्यायाम इस प्रकार से पांच वाक्य हैं जो छह यागों का वर्णन करते हैं। पहले आग्नेय है अष्टाकपाल वाला, दोनों दिनों में होता है, बोलते पौर्णमासी में भी और अमावस्या में। आग्नेय अग्नि देवता क्या समान है, अष्टाकपाल पुरुणाशी आग दर्श में भी आग्नेय है, पूर्णिमा में भी आग्नेय। और विशेष आता है अभी अग्निशोम वाज्य सीवन नव उपांशु पूर्णमास्याम यजन, अग्निशोम देवता उपांशु याग है पूर्णिमा में। और तव अप्रुताम अग्निशोम वाज्यसीवन उपांशु के बाद में ताभ्यम मेतम अग्निशोमियम एकादशक बल पूर्णमासे प्रायच्छ, और अग्निशोमी एकादश का बल पूर्णाशक, फिर तीन याग पूर्णिमा में, आग्नेय उपांशु और अग्निशोम पूर्णमास्याम और दर्शन। और इसके लिए कहते उपांशु याग उपांशु यजन और अग्निशोमीय। और ये ऐन्द्रम दधि ही ऐन्द्रम पया के तीन याग हो गया, वो तीन वहाँ हो गए। कोई आगे लेकर ऐन्द्रम दधि अमावास्यायाम तथा ऐन्द्रम पयो अमावास्यायाम इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अच्छा आग्नेय याग उपांशु याग और अग्निशोमी याग ये तीनों पूर्णमास को हो गए, और एक आग्नेय याग तथा दो ऐन्द्र याग आपके अमावस्या में। इन कर्मों का नामकरण हो गया, इन तीन का नाम दे दिया पौर्णमास याग, इन तीन का नाम रख दिया दर्श याग। जिस तिथि में किया जा रहा है उन समुदाय के पूरे को मिला के एक नाम दे दिया। तीन यागों का एक समुदाय है उसका नाम दर्श, एक और तीन यागों का एक समुदाय है जिसका नाम है पौर्णमास। ये दो समुदाय को द्विवचन समा का दर्श पूर्णमास अभ्याम। यह कैसे पता चला, विद्युत वाक्य से। विद्युत वाक्य में क्या है देखो आगे देते हैं। ये तीन कर्म अमावस्या में होकर प्रकरण ऐसा है वहाँ पर कि यह एवं विद्वान पौर्णमासी यजते यावत उक्तेन उपापनोति तावदुपापनोति, यह एवं विद्वान अमावास्याम यजते यावत यदि रात्रिन उपापनोति तावदुपापनोति। ऐसी तैत्र संहिता में 2691 में आया यह विद्वत शब्द है ना, विद्वान विद्वान आया है इस मंत्र में। पौर्णमासी नहीं है वहाँ, अशुद्ध है, ठीक कर रहे हैं। वापवृद तवाब्रूतम अग्निशोमिया वाज्यस्यैव आजस्यैव हो गया, आज्यस्यैव उसमें वहाँ भी अशुद्धि थी, आजस्यैव है, आज्य होना चाहिए, जो आदि और यकार जो पूरी है यहाँ, ये भी गलती है। तो यहाँ पर आए इन वाक्यों में ये वाक्य का मतलब क्या था कि अर्थात प्रजापति ने यागों की रचना करी, यागों की रचना करने के बाद में उसे तराजू में यागों को तोल दिया। अपूर्व विश्वत्पन्न पुर कितना हो सकता है, प्रजापति है, समर्थ है, उसे पूर्णमास याग का अपूर्व जो पुण्य है उसको एक साइड डाल दिया, और दूसरी तरफ क्या कर दिया उसने उक्ति याग का, सोम यागों में उक्ति होता है, उसको दोनों का पुण्य बराबर टिका। तब उसने कहा कि प्रजापति का वाक्य है, इसे अर्थवाद है, कहानी बना देना। उसने कह रहा है जो पूर्णमास का याग करेगा वो तीनों उसको उक्ति याग का पुण्य मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। इससे मालूम है तीनों मिलकर एक नाम हो गया, पहले मालूम नहीं, संज्ञाकरण तो किया नहीं है। यह इस वाक्य में निर्णय हुआ पूर्णमासी यो यजते यो विद्वान, ये संज्ञा दे दिया उन तीनों यागों का, उसको उक्ति के जो जो प्राप्त होने वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अमावस्यायाम यजते कर दर्श का नाम ले लिया, उसको जो करेगा वो अतरात्र याग के द्वारा प्राप्त होने फल है वो उसको मिल जाता है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पूरी प्रशंसा है ये तो दर्श पूर्णमास का, लेकिन प्रशंसा वाक्य होते हुए भी सब प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है, इन तीन समुदाय के संज्ञाकरण, तीन तीन याग का इस मंत्रों में संज्ञाकरण भी हो गया है, जिसका वहाँ पर दर्श पूर्णमासाभ्यम में कहा गया अधिकार वाक्य, उस अधिकार वाक्य का इस विद्युत वाक्य के साथ
वाक्यिक वाक्यता होती है अर्थवाद होते हुए भी। स्पष्ट प्रशंसा है, कहाँ उक्ति याग भैया, कहाँ दश पूर्ण मास और सोम याग का विशेष यागों में से आता है, उसकी तुलना कैसे हो सकती है? स्तुति के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अर्थवाद तो है ही, लेकिन प्रयोजन क्या निकला इसका? लेकिन अर्थवाद का समुदायीकरण, संज्ञाकरण समुदाय का, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए मीमांसा दर्शन में कहा इनका वाक्यिक वाक्यता होगा। अर्थवाद होने पर भी इस अर्थवाद को हम प्रशंसा या निंदा एक पद तरफ नहीं ले जाएंगे, और पद के साथ वाक्य का पदिक की वाक्यता हम नहीं करेंगे, वाक्यिक वाक्यता करके हम इस अर्थ निकालेंगे, ऐसे वहाँ मीमांसा दर्शन में निर्णय दिया गया है। इन दोनों विद्वान पूर्व मीमांसा है 2-2-3 इसे विचार कर निर्णय दिया। इसलिए दोनों विद्वत वाक्यों ने मिलाकर के द्वारा पौर्णमासी के तीन कर्मों का और अमावस्या के तीन कर्मों का समुदाय के उन्होंने संज्ञा कर दिया पौर्णमास और दर्शनाम से विद्वत वाक्य में, और उसके याग के फलों का वर्णन तुलनात्मक रूपेण अर्थवाद रूपेण प्रशंसा रूपेण कह दिया गया है, और उसी का अनुवाद करने का प्रयोजन क्या हुआ? दशपूर्णमासाभ्यंसरकमेजित, यहाँ पर उसका प्रयोजन हो गया। इन विधियों का अनुवाद किया प्रशंसा के लिए विद्वत वाक्य में, उसका नतीजा निकला, लाभ निकला कि दोनों समुदाय मालूम हुआ हमें, दो समुदाय से द्वितीय को लेकर के अधिकार वाक्य प्रवृत्त हो गया दशपूर्णमास में स्वर्ग कामो इजित। इसलिए उस पूर्व पक्ष का कहना है अब उस इस वाक्य के विद्वत वाक्य का अधिकार वाक्य के साथ में वाक्यित्व वाक्यता किया गया है। हमेशा क्या होता है अर्थवादों का नियम क्या है? पदैक वाक्यता, पूरे अर्थवाद का अर्थ निकालेंगे एक पद में, क्या अर्थ निकालेंगे? या तो प्रशंसा या तो निंदा, दो ही शब्द प्रयोग होता है, और उस पद को विधि के साथ एक वाक्यता कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया? वायु जैसे वायुर्वेग क्षेपिष्टा देवता, वायु की प्रशंसा हुई है, ऐसा वानवय कर देते सीधे, बरिचि रजतम न देयम, इसे रजत की कहानी, पूरे अर्थवाद का एक निकाल प्रशंसा, उसका अन्वय विधि के साथ जोड़ा, वायव्यम श्वेतमालभेत प्रशंसितत्वात् जुड़ गया, बरशिरणेयम निंदितत्वात् पूरी कहानी का अर्थ जो रुद्र किया उसका निंदा कर दी, और उसको जोड़ दिया विधि वाक्य से, इसको पदेक की वाक्य तक। और यहाँ क्या क्या है मूल में का वत्ते अनुवाद्य स्वार्थ परतया, प्रयोजन के कारण से उसको स्वार्थ परत माना आपने, इसलिए लक्षण नहीं किया प्रशंसा निंदा में, और दृष्टत्वात् अतएव तत्र वाक्यिक वाक्यता उक्ता, वाक्यिक वाक्यता में क्या हो जाता है फिर? यहाँ दशपूर्णमास समुदायस्य विद्वन वाक्य निष्पन्नार्थस्य, विद्वत वाक्य से निष्पन्न जो अर्थ है वह दशपूर्णमास समुदाय है, वह समुदाय से द्वित्वात् दशपूर्ण दर्श समुदाय न पौर्णमास समुदाय ने च स्वर्ग कामो इष्टिं कुर्यात्, यह अर्थ हो जाएगा दशपूर्णमास अभ्य स्वर्ग में जीत्य का, उस वाक्य को जोड़ करके वाक्य की वाक्यता कर दिया। विद्युत वाक्य में जो निष्पन्न जो अर्थ है दशपूर्णमास समुदाय और पौर्णमास समुदाय नाम से, तार समुदाय द्वय को द्वित्व ग्रहण करके अधिकार विधि ने दशपूर्णमास अभ्याम कहा है, अत अर्थ निकलेगा क्या? दर्श समुदाय न पौर्णमास समुदाय न च इष्टम इष्टिम कुर्यात्, स्वर्ग काम पुरुष इष्टिम कुर्यात्, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ये वाक्य की वाक्यता हो गई अधिकार वाक्य का और इस अर्थवाद वाक्य का, इसलिए स्वार्थ पर का अपने माना और प्रमाण हो गए प्रामाणिक। तद्वत विषम सत्यम को भी हम कहेंगे पूर्व पक्ष के आता है प्रत्यक्ष सिद्ध है वाद वि प्रतिपत्ति निराश प्रयोजनवत्व इति नच वाच्य, वो दृष्टान्त दिया ना उसने, दृष्टान्त दिया और घटा अपने उसी प्रामाण विषम सत्यम भी क्या है वाद वि प्रतिपत्ति रूपी, वहाँ पर क्या था प्रयोजन समुदाय की संज्ञाकरण भी प्रयोजन के कारण से वाक्य को स्वार्थपरक मान करके आपने प्रामाणिक माना, तथा विश्वम सत्य वाक्य क्या है वाद प्रतिपद निराश करना रूपी प्रयोजन वाला होने से स्वार्थपरक होकर प्रामाणिक हो जाएगा। तब सिद्धांत कहता है स्वार्थपरकत्व और प्रामाणिकता के पीछे ये प्रयोजन तुम नहीं ले सकते, यदि इस प्रयोजन को स्वीकार करोगे मानी वाद प्रतिपत्ति का निराश करने प्रयोजन को स्वार्थपरकता का नियामक मान लोगे प्रयोजक मान लोगे
तो कहाँ समस्या खड़ी होती है? कहते प्रत्यक्ष वाद्य प्रतिपत्ति निराश रूप प्रयोजनवत्व प्रमाणांतर से प्रयोजनतया स्वार्थ प्रवृत्तोक्त अग्निर्हिम से भेषजम इत्यादि वित्तीय प्रयोजन सब प्रयोजन स्वार्थ परम च स्यात्। प्रसिद्ध जो अर्थवाद वाक्य है वो भी स्वार्थ पर अगर प्रामाणिक होने लग जाएगा। कैसे? प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है अग्निर उष्ण, लेकिन दूसरा अनुमान कर दिया अग्निर अनुष्ण। क्यों? वो चंद्रकांत मणि लिए बैठा था और हाथ डाला उसको तो अग्नि जलाया नहीं, चंद्रकांत मणि पहना हुआ है या कोई ऐसी जड़ी लगा हुआ है शरीर में बांध रखा है, वाग स्पर्श करो तो जला नहीं रहा है, तो मंत्र प्रयोग कर दिया। लेकिन मंत्र मणि औषधि आदि के द्वारा योग सूत्रकार ने भी कहा नहीं किया, इसीलिए कहते हैं वो व्यक्ति कहता है अग्नि अनुष्ण अभी प्रतिवृत्ति हुई कि नहीं हुई, अग्नि उष्ण है कि अग्नि अनुष्ण है, तब कहेंगे तब आय श्रुति अग्नि हिमस्य भेषजम उष्णत्व सिद्ध कर दिया। वहाँ पर सिद्धांति कहता है जो इस प्रकार का प्रयोजन वाजवी प्रति रूपा प्रयोजन को लेकर के आप स्वार्थ परकता किसी वाक्य को घटा नहीं सकते। इतने से हम लोगों का तात्पर्य कहने का, ही कोई आदमी टिक अड़ जाए वनिर अनुष्ण हाँ ये प्रतिपत्ति तो ही, हम कहेंगे फिर उसका निराश कौन करेगा? अग्निर्म से भेषजम वाक्य कर देगा, फिर जो भी स्वार्थ परक हो गया सब प्रयोजन होकर के वही प्रामाणिक हो जाएगा, वो अनुवादक नहीं रह जाएगा। जो सर्वमत स्वीकृत अनुवाद वाक्य भी अनुवादनी नहीं रह जाएगी, ऐसी श्रुति यह आपत्ति दिया। तो प्रतिषिद्ध वाजवी प्रतिपत्ति निराश रूप प्रयोजन वस्तु न प्रमाणांतर से सब प्रयोजनतया स्वार्थ प्रत्योक्त वही अग्निर्म से भेषजम इत्याद्यपि तेने प्रयोजन सब प्रयोजनम स्वार्थ परम च स्यात्, यह आपत्ति हो जाएगा। तथा च न प्रतिष्ठित वाद्य प्रपत्ति निराशार्थम अन्य अपेक्षा, इसे मानना पड़ेगा। इसलिए जो प्रत्यक्षित वस्तुओं में वाद्य प्रतिपत्ति होने पर भी उसके निराश करने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है, उसको भी जो मणि आदि खींच के निकाल दो हैं और उसको जबरदस्ती हाथ जला दो किसी प्रकार से और अनुभव कराओ अग्निगर्भ में, उसके लिए श्रुति वाक्य को लाने की जरूरत नहीं। दृष्टान्त हेतु समुदाय अनुवाद है ना द्वित संप्रदान से उद्देश्य से अन्य तो लब्ध अशक्यतया, दृष्टान्तार्थम तो ये विषमता है, वहाँ पर दो समुदाय ये अर्थ इन तीन तीन यागों का एक एक समुदाय ये अर्थ जो है अन्य किसी प्रमाण से लब्ध नहीं हो सकता है। जैसे अपूर्वार्थ बोधक होता हुआ सप्रयोजन वाक्य होने से उसको हम प्रामाणिक माना, अर्थवाद नहीं माना और वाक्य की वाक्यता किया था, ये अंतर है बता दें। लब्धम अशक्यतया तेन प्रयोजन स्वार्थ परत्व से वक्तुम शक्यत्वात्, ये तदिप्राय पूर्वोक्तम नए विवेक वाक्यम, इसी अभिप्राय से पूर्वोक्त नए विवेक में भी जो श्लोक दिया था वाक्य दिया था उसको समझना, वहाँ भी सापेक्ष अनुवाद करते ही था निष्प्रयोजन अनुवादत्म और दैवानुवाद करता था निरपेक्ष अनुवाद, उसका अर्थ होता है सब प्रयोजन अनुवादकत्म, उसको प्रामाणिक वहाँ कहा गया था। जो निष्प्रयोजन अनुवाद है वह प्रामाणिक नहीं होता, जो सब प्रयोजन अनुवाद है वह प्रामाणिक होता है, ये उनके भी वाक्य का अर्थ ग्रहण करना चाहिए।